हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आजकल सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम तो आम हो चुकी है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, लेडीज़ हो या फिर हो जेंट्स, ये प्रॉब्लम उम्र से पहले ही आने लगी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है अपने हेल्थ और बालों की ठीक से देखभाल ना करना, क्योंकि आजकल किसी को भी ज़्यादातर घर का खाना पसंद नहीं आता है। जंक फूड ईजिली मिल जाता है तो वो इंसान खाता है, और जिससे कि उनकी हेल्थ को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बिना टाइम के खाना पीना होता है, और जंक फूड्स ज़्यादातर इस्तेमाल करना, स्ट्रेस लेना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर कोई ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इसका सोल्यूशन भी काफ़ी महंगे हैं। कई बार तो बड़ी बड़ी कंपनीज ये दावे करती हैं कि सफ़ेद बालों को ट्रीट करना काफ़ी आसान है, आपने बस ये डाई यूज़ करना है, ये ऑयल ट्राई करना है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कंपनीज़ ऐसा बोलती हैं, जबकि ऐसे प्रोडक्ट का आप भी जानते हो कि कितना हार्मफुल ये साबित होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी हाई लेवल में केमिकल्स होते हैं। तो इन सबसे भूल कर भी आपको यूज़ नहीं करना है, इनसे बच के रहना है। और जो मैं आज आपको तरीका बताऊँगी वो काफ़ी ईजी है, और आज तो मैं आपको बहुत ही सारे तरीके बताऊंगी। जो भी तरीका आपको इजी लगेगा आपने उसको नोट कर लेना है, और फिर आपने उसको यूज़ करना है, क्योंकि आज मैं आपके लिए काफ़ी ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी आज, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। और मैंने आपको आज बहुत सारे तरीके बताने हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और मैं आपके लिए ख़ास ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आप कोई भी पॉइंट बीच में स्किप कर दो तो वो आपको पता नहीं लग पाएगा। इसलिए लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ये नेचुरल है तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि आप खुद ही जानते हो कि आपने इसको घर पर बनाना है और अपने बालों पर यूज़ करना है, तो ये नेचुरल होगा और बहुत ही ज़्यादा काफ़ी यूज़फुल, नेचुरल और इफ़ेक्टिव है ये सारी तरीके जो मैं आज आपको बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन, क्योंकि मैं अगर कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और ख़ास बता दूँ कि आज जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी वो बहुत ही इजी है, और आपके घर में सभी चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ही आराम से। तो सबसे पहली टिप्स है कि आलू के छिलके, जी हाँ, आप सबको पता होगा आलू के छिलकों में कितनी हाई लेवल में स्टार्च पाया जाता है। ये सफ़ेद बालों को काला करने का बेहतरीन नुस्खा है और काफ़ी लाभदायक भी है। आपने क्या करना है, पानी में आलू को छिलकों को काट के 10 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए अच्छी तरह से, फिर ठंडा करके बालों में लगाएं। इससे भी आपके बाल काले होते हैं, और अगर आप कोई रेमेडी यूज़ करते आ रहे हो तो तभी भी आप ये यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इजी है और जल्दी से ये असर भी दिखाता है अपना। और आपने इसको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार यूज़ करना है, क्योंकि सिर्फ पानी ही आपने अपने बालों में डालना है, बाकी हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। पानी डाल के आप छोड़ दीजिए, अगर हेयर वॉश करना चाहते हो तो कर सकते हो, नो इश्यू। नहीं तो आलू के छिलके तो आप लगा के रख ही सकते हो, अगर हेयर वॉश करते भी हो तो सिंपल पानी से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड टिप्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लौकी आप सबके घर में तो ईजिली अवेलेबल होगी ही, लौकी की सब्ज़ी बनती होगी, दिल्ली में इसको घिया भी कहा जाता है। तो आपने करना क्या है, लौकी को कद्दूकस कर ले और उसका रस निकाल ले, आधी कटोरी से एक कटोरी निकाल ले, आपके बालों के लिए काफ़ी है। आपने उसमें क्या करना है, जैतून का तेल डालना है। अगर आपके पास जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो, उसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आप चाहो तो उसमें एलोवेरा जेल भी डाल सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, खाली जैतून का तेल भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले, और फिर इससे अपने बालों पर अच्छी तरह से मालिश करिए, और आधे घंटे तक के लिए इसको रहन दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए आधे से एक घंटे तक के लिए। उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर ले, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। और इसको आप वीक में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो घी का रस निकाल के फ्रीजर में जमा लीजिए, ताकि आपका घी का रस काला ना पड़े। और इसको आप भी जब भी आपने यूज़ करना है तो आप आधे से एक घंटे पहले निकाल लीजिए, और उसके बाद यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। बहुत ही ईजी टिप्स है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टिप्स।
आप जब भी नेचुरल रेमेडी यूज़ करोगे तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि मार्केट में मिलने वाली आपने केमिकल वाली डाई का यूज़ नहीं करना है। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल होते हैं, और अगर आप कोई भी नेचुरल चीज़ यूज़ करते हो तो ये वर्क नहीं करते फिर, क्योंकि आपने पहले से ही डाई की होती है और फिर आप कहते हो कि ये नुस्खा हमारे पर वर्क नहीं किया, मैम आप फेक वीडियो बनाती हो। मगर ऐसा नहीं है, आप कहीं भी सर्च कर सकते हो या अपने कोई बुजुर्ग हैं उनसे भी पूछ सकते हो, ये सब उन्हीं के नुस्खे हैं, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आप इसमें कंफर्म रहिए कि ये वर्क करेंगे ही करेंगे, पर अगर आप केमिकल वाली डाई यूज़ ना करोगे तब नहीं करनी है आपने ये वाली डाई यूज़। और अगर आपने केमिकल यूज़ करना ही है अपने बालों पर, अगर कलर करना चाहते हो तो आप मेहंदी यूज़ कीजिए, ये नेचुरल रहती है बिना किसी केमिकल के। चाय पत्ती का पानी यूज़ कीजिए, चाय पत्ती को उबाल लीजिए अच्छी तरह से, इसमें आप चाहो तो लेमन भी डाल सकते हो, और आप चाहो तो इसमें विटामिन ई कैप्सूल, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या तो फिर कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हो, सब में से कुछ भी डाल सकते हो आप। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और नेचुरल है, और साथ में ही आप चुकंदर का ये रस भी यूज़ कर सकते हो, मेहंदी में डालकर यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर आपको देता है, एकदम ब्राउनिश रेड सा। और अगर आप ब्लैक कलर चाहते हो एकदम डार्क सा, तो आपने क्या करना है, इसको 15-15 दिन में यूज़ करते रहना है, 15 दिन में 10 दिन में मेहंदी ऐसे लगाते रहिए चुकंदर के रस वाली। चुकंदर का पाउडर भी मिल जाता है बहुत ही ईजिली, बीट रूट का, तो आप वो भी डाल सकते हो और इसको यूज़ कीजिए कंटिन्यू। आप 1-2 महीने यूज़ करोगे ना तो आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे, काफ़ी शाइन करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप्स। आपने क्या करना है, प्याज को अच्छी तरह से कद्दूकस करके इसका रस निकाल लेना है, इसमें आपने नींबू मिलाना है और अपने बालों की जड़ों में लगाना है कॉटन की हेल्प से। इसमें अच्छी तरह से आपने फिर मालिश करनी है और फिर आपने इसको 1-2 घंटे तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हो, ये भी आपने वीक में 3-4 बार करना है। जितनी ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतनी ही जल्दी आपके बाल काले होंगे, जड़ से काले होंगे, और काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क करता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अपनी नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स है, आपने हफ्ते में एक बार बालों की जड़ों में कच्चा दूध लगाना है। जी हाँ, सही सुना आपने, कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क लगाना है किसी कॉटन की हेल्प से। ये भी आपके बालों को काफ़ी अच्छी तरह से काले करते हैं, क्योंकि रॉ मिल्क में हाई लेवल में प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपके बालों को काला करता है, और आप स्किन पे भी लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है। आपको पता ही होगा ये नेचुरल क्लींजर होता है और इससे आपकी स्किन फेयर भी होती है, और अगर आप इसको बालों में हफ्ते में 1-2 बार लगाओगे ना तो आपके बाल काफ़ी जल्दी काले होंगे। उसके बाद आप इसको 1-2 घंटे के बाद हेयर वॉश कर लीजिए, शैम्पू से भी कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल वाटर से कीजिए क्योंकि इसमें कोई ऑयल तो है नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अपनी नेक्स्ट टिप्स। आपने क्या करना है, हफ्ते में 2 बार बालों को चाय के पानी से यानी कि चाय के पत्ती के पानी से धोना है। ये काफ़ी अच्छा रेमेडी माना जाता है आपके बालों के लिए, ब्लैक बालों के लिए, ये जड़ से काले बनाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप इसमें लेमन भी डाल सकते हो, विटामिन ई भी डाल सकते हो, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हो, और चाहो तो बादाम का तेल भी डाल सकते हो। काफ़ी अच्छी तरह से ये आपके बालों में ऑयलिंग भी कर देता है, सिल्की शाइनी घने लंबे काले भी बनाता है साथ ही साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो फटाफट से लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स लेटेस्ट सारे सोशल मीडिया में। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टिप्स। देसी घी के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा, मैंने इस पर वीडियो भी डाली है और काफ़ी डिटेल में भी बताया है मैंने उस पर, तो आप आई आइकन पे वीडियो देख सकते हो, मैं आपको दे दूँगी और साथ में ही डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप जरूर देखिएगा। तो देसी घी के बारे में आप सबने सुना ही होगा, ये आपकी बॉडी के लिए, स्किन के लिए और साथ ही साथ बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। देसी घी का इस्तेमाल से आपके बाल हेल्दी होते हैं, काले होते हैं। आपने क्या करना है, हफ्ते में 2 बार देसी घी से अच्छी तरह से मसाज करनी है अपने बालों की। आप चाहो तो देसी घी को हल्का सा गर्म कर सकते हो
और फिर अपने बालों पर लगा सकते हो, नहीं तो आप धूप में भी रख सकते हो अगर धूप ज़्यादा तेज निकली हो तो, क्योंकि गर्म करने का मकसद ये है कि घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो आपके बालों पर प्रॉपर वे से लगेगा। और देसी घी का मसाज से आपके बाल हेल्दी होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है और वो काले रहते हैं, और इससे काफ़ी जल्दी आपके बाल काले हो जाते हैं। सफ़ेद बालों से आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा इससे, तो इसको भी जरूर आप ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट टिप्स है, सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कॉफ़ी भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। आपने क्या करना है, पानी में 2 से 3 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर के डालने हैं और उसको बॉयल कर लेना है अच्छी तरह से। इसको गाढ़ा होने पर इसे आँच से हटा देना है, यानी कि गैस ऑफ कर देनी है। जब ये थोड़ा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, और इसको ठंडा करके आप अपने बालों पर लगाइए। सिर्फ कॉफ़ी भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इसमें मेहंदी भी डाल सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप इसको 45 मिनट तक अपने बालों पर रहने दीजिए, 45 मिनट से 1 आवर तक, और उसके बाद आप अपने हेयर वॉश कर लीजिए। पहले आपने प्लेन वाटर से करना है ताकि इसका असर आपके बालों पर बना रहे। अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप शैम्पू से अगले दिन कर सकते हो वॉश। ऑयलिंग करने के बाद पहले ऑयलिंग करिएगा, फिर वॉश करिएगा। और दोस्तों, मैं तो बोलते बोलते अब तो सच्ची में थक गई। तो इतनी मेहनत करते हैं तो इस मेहनत का हमें फल जरूर दीजिएगा, आप जरूर लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को सारे सोशल मीडिया में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप सबका भरपूर प्यार हम सबको मिल सके। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टिप्स। तो दोस्तों, आप सबने अदरक के बारे में तो सुना ही होगा, तो आपने क्या करना है, अदरक को पीस लेना है अच्छी तरह से, इसको कद्दूकस कर लीजिए और उसके बाद इसका रस निकाल लीजिए। इसके रस में आपने कच्चा दूध डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बालों की जड़ों में लगाना है, और लगभग आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, आधे से 1 घंटे के लिए, और उसके बाद आपने शैम्पू कर लेना है। ये टिप्स भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आपके बालों को जड़ से काला करने के लिए। तो जो जो आपको टिप्स पसंद आएगी, आप बस उसको नोट कर लीजिए और फिर अपने बालों पर यूज़ कीजिए, और फिर देखिए उसका हैरान करने वाला रिजल्ट। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टिप्स। तो आपने क्या करना है, आपने सूखे आंवले लेने हैं, आप पाउडर भी ले सकते हो। आपने कढ़ाई लेनी है, लोहे की कढ़ाई ले सकते हो तो सबसे अच्छी बात, नहीं तो दूसरी भी ले सकते हो आप, कोई भी। उसको अच्छी तरह से आपने गैस पे धीमी आंच पर अच्छी तरह से पका लेना है उसको, यानी कि रोस्ट कर लेना है। ये जब हल्का सा ब्राउन कलर का आ जाए, ब्लैक कलर का आ जाए, तो उसमें आपने मेहंदी डाल के इसको ऐसे ही चलाना है, और उसके बाद आपने इसमें पानी डाल के इसका अच्छी तरह से घोल बना लेना है। आप चाय पत्ती का पानी भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है ये भी। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप अपने बालों पर लगाएं, ये आपके बालों को काफ़ी अच्छी तरह से कंडीशन करते हैं और साथ में आपके बालों को काला बनाते हैं, घना बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। और आंवला आप सब जानते ही हो कितना अच्छा होता है। तो चलिए आंवले के बारे में मैं एक और चीज़ आपको, एक और टिप्स बताती हूँ। आप चाहे तो आंवले को बारीक काट भी सकते हो अगर खड़े आंवले हैं तो, या तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अगर खड़े आंवले हैं तो उसको काट ले, जैसे कि जो फ्रेश ग्रीन कलर का आंवला आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसको अच्छी तरह से काट ले, और उसमें आपने गर्म नारियल तेल डालना है। आप इसको गर्म नारियल तेल डालोगे तो ये अच्छी तरह से अपने जो प्रॉपर्टीज़ होगी आंवले की वो रिलीज़ होगी। आप चाहो तो इसको कढ़ाई में पका सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। और इसको अच्छी तरह से मिलाकर इसको ठंडा करना है आपने। आप चाहो तो अगर इसको गैस में नहीं करना चाहते हो तो आप डबल मेथड यूज़ कर सकते हो, डबल बॉइलिंग मेथड का, नहीं तो आप सनलाइट में भी रख सकते हो, तभी भी ये काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। मगर आप जब सनलाइट में रखोगे तो कम से कम 1 वीक का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो इसलिए आप डबल मेथड का यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट नारियल ऑयल को, कोकोनट ऑयल को बॉयल कर लीजिए आंवले डाल के अच्छी तरह से, और उसको छान के फिर आप यूज़ कीजिए। इससे बाल सफ़ेद नहीं होंगे, जड़ से काले होंगे, स्ट्रांग होंगे, और रीग्रोथ होगी आपके बालों की, और डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी ये सारी टिप्स। दोस्तों मेरे पास अभी और बहुत सारी टिप्स है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बताऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो तो, क्योंकि ये वैसे भी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो इसलिए मैं आपको अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये सब। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आए तो फटाफट से लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सारे सोशल मीडिया में। तो आई होप दोस्तों आप सभी इस वीडियो पर
अपना प्यार निछावर करोगे तो फटाफट से अपना प्यार निछावर कीजिए, शेयर कीजिए जहाँ भी आप कर सकते हो, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, जहाँ भी आप कर सकते हो फटाफट से कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो अब एक शेयर तो बनता ही है ना, लाइक भी बनता है, और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसे इफ़ेक्टिव नेचुरल रेमेडीज़ की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं आपको टिप्स बताऊँगी नेक्स्ट, तो मिलती हूँ आपसे न्यू अच्छी इफेक्टिव और नेचुरल रेमेडी के साथ। और हाँ, कोई भी सिचुएशन हो तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए ताकि उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाकर दे सकूँ। और कोई भी सिचुएशन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोई गलती लगती है तो वो भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे मिलती हूँ न्यू इफेक्टिव नेचुरल और धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।